डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर उधम शहजाद ने कहा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज वन के तहत 707 मिलियन रुपए लागत से 92 में से 89 मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि फेज़ टू के तहत 2900 मिलियन रुपए लागत से 128 मनसूबा जात की मंजूरी दे दी गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटियों के चीफ ऑफिसर पंजाब म्यूनसिपल सर्विस प्रोग्राम के तहत जारी प्रोजेक्ट्स की रवा माल तकमीज यकीनी बनाई जाएगी। तरक्याती मनसूबों के सरबराहान ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके टेंडर मुकम्मल हो चुके हैं, इन पर काम के आगाज़ के लिए बिना तहीर वर्क ऑर्डिनेंस जारी करें। इन हालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा। एडीसी फाइनेंस जहीर लियाकत, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट जहांगीर भट्ट व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर हुरम शहजाद ने कहा है कि ज़िला में जारी तरक्याती प्रोग्राम के 70% मनसूबों पर फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस 86% है और तरक्याती महकमों के अफसरान रवा माली साल के 24 मनसूबों पर फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस को मजीद बेहतर बनाने के लिए मनसूबा चार्ट पर काम की हुद निगरानी कहें। उन्होंने मजीद कहा है कि SDGs प्रोग्राम फेज़ वन के तहत 450 मिलियन रुपये लागत से 64 मनसूबा चार्ट पर 85% काम मुकम्मल हो चुका है और फेज़ टू के तहत 450 मिलियन रुपए लागत से 118 मंसूबों की मंजूरी दी जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तरक्याती मनसूबा जात पर क्वालिटी पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। मनसूबा जात पर काम के मियार का जायजा लेने के लिए डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट जहांगीर भट्ट की क्यादत में कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इन मनसूबा जात का दौरा करके अपनी रिपोर्ट देगी। If you'd like to be in touch with your community activities and would like be informed first of all, the Link24 team around the world will appreciate if you subscribe our channel and also click on bell icon. Remember, your feedback can help us improve a lot because the Link24 channel is just for you.